साथ लगातार आ रहा है। शोएब अख्तर के मुताबिक भारत जीत का दावेदार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि वो दबाव को झेलने में माहिर हैं। सुनते हैं शोएब ने क्या कहा। I think that you know India looks a far better team, but this is a very very dangerous team. कि ये इनके attitude इतने खतरनाक हैं और ये इतना अच्छा manoeuvrize करते हैं और pressure इतना अच्छा लेते हैं बाकी टीमों से, क्यों परवाह नहीं कल्चर की यार। वो इतना इमोशन थोड़ा जुड़ा इंडियन जैसे जैसे आप बैठे हैं, आपने तो परसों रोना शुरू कर देना कि अगर इंडिया हार जाए खुदा खास्ता, आप तो यही प्रोग्राम पर रोना शुरू कर देंगे, तो इंडियन तो सेम तो ऐसा नहीं करेगा। हम जैसे थोड़ी होंगे, हम जाते साथ पान भी सहक, बोर्ड भी सहक, सब कुछ सहक, हम ऐसा थोड़ी करते हैं। तो इन पे कम प्रेशर होता है यार, वो ऑब्वियसली कल्चर फर्क है, लोग फर्क है, इमोशंस फर्क है, तो इसलिए उनको इजाजत मिल जाती है फियरलेस खेलने की, एटीट्यूड इसलिए बेहतर हो जाते हैं और इसलिए प्रेशर टाइम में वो बेहतर परफॉर्म करते हैं हमसे। ये तो है भाई, हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम बहुत पोजेसिव हैं यार अपने लोगों लेके, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कोई भी खराब के लिए। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के किन दो खिलाड़ियों से भारत को होशियार रहने की चेतावनी दी है। सुन लीजिए शोएब अख्तर ने क्या कहा। स्टार्की बहुत आप बहुत जाए बात को, मैं तो सारे टीवी में सब चीज बयान नहीं करता। स्टार्की बहुत डेंजरस होगा और ट्रेविस हेड याद रखिएगा, ये बहुत डेंजरस होगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि वार्नर फंसता है इससे, बुमराह से जो बहुत डरता है और फंसता भी उससे। ट्रेविस हेड है, ये जो चीकी हैं ये आपको फंसा सकते हैं, इनसे बचने की जरूरत है हिंदुस्तान को, इनको बड़ा केयरफुली खेलने की जरूरत है। और अगर रोहित शर्मा इसको न्यूट्रलाइज कर जाता है, स्टार्क को और कमिंस को, बाकी जैम्पा शैम्पा को तो रोहित शर्मा नहीं छोड़ेगा भाई, बहुत मुसीबत है। अगर वहां तक जैम्पा तक पहुंच गया ना, अगर रोहित शर्मा, मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्त लगा होगा 20 करोड़, जैम्पा का कैंपा बना देना है अगर रोहित शर्मा के हत्थे ये चढ़ गए। लेकिन यहां पर इन्होंने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्स फैक्टर्स कौन हो सकता है। चलते हैं अहमदाबाद, वहां पर कपिल भाई से बात करेंगे। कपिल भाई, शोएब भाई को अभी हम सुन रहे थे, शोएब भाई ने दो लोगों के नाम लिए हैं, एक का नाम है मिचेल स्टार्क जो कि अभी तक फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी, और एक ट्रेविस हेड। ये शुरुआती मैच में नहीं थे, जब टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया खेली थी तब ये टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब से ये टीम में आए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम और डेंजरस हो गई है। आपका क्या कहना है, कौन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्सपेक्टर? देखिए, कल थे कोलकाता में बादल, इसलिए थोड़ी बहुत मिचेल स्टार्क की, पैट कमिंस की बॉल हिल रही थी। यहाँ अहमदाबाद में पड़ रही है गर्मी, यहाँ है पाटा विकेट, यहाँ बहुत पिटाई होने वाली है इन दोनों की, हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा। और मेरे लिए भारत का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है रोहित शर्मा का एटीट्यूड। और जिस बात का जिक्र चयन, मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि उनको दिनेश कार्तिक ने बताया कि भारत जब T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारा तो रोहित शर्मा ने बाद में ये कहा इस बात को कि ऐसा टिमिड क्रिकेट, ऐसा डरपोक क्रिकेट हम नहीं खेल सकते, इसको बदलना पड़ेगा। और तारीफ आपको करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा ने वो एटीट्यूड बदला, वो सोच बदली, वो अप्रोच बदली, वो फियरलेस अप्रोच लेकर आए और वो रोल दिया, खुद के लिए गोल लिया, और यही सबसे बड़ा फर्क इस टीम का दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला जरूर होगा, लेकिन यकीनन हमारी टीम के पास जो टैलेंट है बल्लेबाजी में और जो कला है गेंदबाजी में, उसमें दोनों में हम अभी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैन टू मैन मार्किंग में भी हम भारी पड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया पे। ट्रेविस हेड, बुमराह उनके विकेट निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड, और जिस तरीके से आपने भी बात करी, ये जो लेफ्ट हैंडर्स हैं इनके खिलाफ बुमराह बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं। लेकिन कपिल भाई, आपसे एक चीज ये और बात करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से बात करी रोहित शर्मा की, शायद ये पहली बार है कि पूरा देश उस खिलाड़ी के 40 रन सेलिब्रेट कर रहा है, उसी तरीके से ये 40 रन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं जिस तरीके से विराट कोहली की सेंचुरीज को सेलिब्रेट, और वो भी उस मैच में जिस मैच में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दो इंडियंस ने सेंचुरी मारी है, उसमें रोहित शर्मा के 40 रन को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो रोहित शर्मा ने ये जो एटीट्यूड चेंज किया है, ये कपिल भाई अननोटिस्ड नहीं गया है कि आपको लगता है ये फैंस भी, कई बार बात होती है कि ये ऐसे नुआंसेस हैं जो शायद एक्सपर्ट्स को दिखाई देते हैं, पर क्या फैंस भी ये बात अब मान रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है, इसका जो रोड मैप जो बिछाया है वो किसी और ने नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा ने बिछाया है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, एक पूरी टीम को एक माहौल देना, एक वो वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूं,
कि अगर वो किसी को ड्रॉप भी करते हैं तो उसको बिठा के उसकी वजह समझाते हैं। अगर वो कोई एक मैच में दो मैच में नहीं खेल पा रहा है तो वो अगर वो कोई बीटीएस का वीडियो बन रहा है तो उसमें भी वो इसका नाम लेके तारीफ करते आ रही है, शार्दुल बड़े मैच का प्लेयर है, जिस दिन आएगा कमाल कर देगा। तो वो टीम एनवायरनमेंट ऐसा देते हैं कि हर खिलाड़ी अपना 200% उनके लिए देने को तैयार है, वो उस अप्रोच के साथ बैठने को तैयार है बेंच पे। तो इससे जो कैमराडरी जो बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है। और जैसा कि आपने कहा कि रोहित शर्मा की जो अप्रोच है, आप देखिए पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेकर श्रीलंका तक, हर खिलाड़ी और हर थोड़ा बहुत जो क्रिकेट को समझता है वो यही कह रहा है कि रोहित शर्मा की 100 नहीं मार रहे हैं, इसलिए मत समझिए कि उनकी बात नहीं हो रही है। उनके जो 46 है, उनकी जो 86 है, उनकी जो अप्रोच है टीम को आगे रखने की वो बहुत बड़ी है, और इसीलिए रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं इस ट्रॉफी को उठाना। और बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा क्रिकेट भारत ने खेला है तो 10 के दम के बाद 11 का शगुन जो है 19 तारीख को पढ़ने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कपिल भाई। और बिल्कुल जिस तरीके से टीम इंडिया लगातार खेल रही है, वाकई में बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, और इस बेहतरीन क्रिकेट के सूत्रधार